So hello everyone, welcome to our channel Gaurang Astro Home. So today we will be talking about the astrological prediction of Indian stock markets for 16th and 17th of March. So guys, I wish you a very happy Holi in advance. आगे चलते हैं. Reading of the disclaimer is mandatory. Disclaimer is there in the description box. I am not a SEBI registered advisor or a registered financial advisor. और ये किसी तरीके की कोई सलाह नहीं है. This is purely my personal astrological view on what is going to happen in the market. अपने registered financial advisor की सलाह से ही आप market में trading करें. तो guys, for the past 2 to 3 days, we have been doing a lot of discussion among the team. And we are changing our model. The first and the foremost thing is, we are closing down this main group. There will be no main group until further notice. So, abhi 3-4-6 mahine we are not concentrating on the main group. There are certain reasons to it. Now, what we have decided is that we will give you predictions for a time frame. It could be 5 days, 3 days, 4 days, whatever. तो एक swing की prediction देने की कोशिश करेंगे and उस swing में जो important points होंगे वो हम आपके साथ share करेंगे. Apart from this, we are also planning for a tie-up with one of our old student. He is a GAN expert. तो April onwards ज्ञान के भी स्विंग बेस्ड इनपुट्स हम आप लोगों को इस वीडियो में दिया करेंगे. तो लेट स्टार्ट. तो ये ओवरऑल प्रिडिक्शन है 16th टू 17th की. इन दो दिन की एक ओवरऑल प्रिडिक्शन. देखिए, अभी आई एम मेकिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स एंड राइट नाउ इट इज 12:56 and markets are on. For the next 2 days, we expect Nifty to showcase a negative trend, overall basis. Bank Nifty maybe we expect a overall negative trend. देखिए, Nifty जो अभी चल रहा है, that is 16,780 live, and Bank Nifty is 35,320 के आसपास. तो Bank Nifty also we expect a overall negative inclination in the market. नेगेटिव ओवरऑल बेसिस में. एक नेगेटिव इंक्लिनेशन. इस टाइमिंग्स पे भी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा. देखिए, ये जो भी हम दिन के इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स निकालते हैं, आप ऐसा समझ के देखिए कि व्हेनेवर यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू आस्क कि भाई मेरी शादी कब होगी, तो वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट ईयर शादी होगी या नेक्स्ट 6 महीने में शादी होगी. टाइमिंग्स आर वो चीज निकालना कि जयमाल कितने बजे पड़ेगी. तो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड इन कैलकुलेटिंग दीज टाइमिंग्स. इट इज अ वेरी 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 टीडियस जॉब एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक साइंस. इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. तो ये चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इट इज एन इंडिकेशन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि 70% 80% प्रोबेबिलिटी है इस चीज की होने की. बट देखिए, जब हम जयमाल का टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ प्रिसीजन विच इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कि भाई जयमाल कितने बजे होगी. तो दिन के जो टाइमिंग्स हम निकालने की कोशिश करते हैं या फिर दिन की प्रेडिक्शन, आप समझ सकते हैं कि शादी किस दिन होगी एंड जयमाल कितने बजे होगी, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट टू दैट लेवल.
उसमें देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स, थोड़ा बहुत एरर्स होती ही है, दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. सो आई अगेन रिपीट, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर. तो अपना टेक्निकल सेटअप साथ में जरूर इस्तेमाल करें, जैसे आई यूज माई ओन टेक्निकल सेटअप. So I already told you we are closing down with the main group जिसमें मैं trades डालता था, because the experience with people I've started giving option trades, selling trades, लोग उल्टा करके buy कर रहे हैं and a lot of confusion is going on, so I'm stopping this. This is the advanced financial astrology course which is starting on 3rd of April. If you wish to enroll, you can join in. आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर इज 9654192999. इज अ मोस्ट ल्यूसिड कोर्स. इससे जिस लेवल की प्रेडिक्शन हम कर लेते हैं उस लेवल की प्रेडिक्शन आप भी करने लग जाएंगे. गोइंग फॉरवर्ड, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, वी आर एमिंग टुवर्ड्स वेल्थ जनरेशन, और जिस पे हम आगे काम भी कर रहे हैं. अब एक बार टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूं. इन टाइमिंग्स में देयर इज अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 15 मिनट्स. ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे हम एक प्रेडिक्शन निकालते हैं. तो 16 तारीख के लिए जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स है वो 11:30 से लेकर के 12:10. वी एक्सपेक्ट अ नेगेटिव मूव, ओवरऑल नेगेटिव. एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, देखिए ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको ऑप्शंस का, दे नो हाउ टू बाय एंड सेल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया विक्स. सी इंडिया विक्स राइट नाउ इज 26.74. इट इज अ लाइव मार्केट गोइंग ऑन, आई एम वॉचिंग ऑन द मोबाइल. इंडिया विक्स इज 26.74. इतने हाई विक्स पे ऑप्शंस बाय नहीं करे जाते हैं. आई टाइम एंड अगेन टोल्ड एवरीबॉडी, इतने हाई विक्स पे ऑप्शंस बाय नहीं करे जाते हैं, दे आर टू बी सोल्ड. एनीवेज, तो गाइस द नेक्स्ट टाइमिंग की बात कर लेते हैं. 17 तारीख को 9:30 to 10:15 ऑल्सो वी एक्सपेक्ट अ नेगेटिव मूव, ओवरऑल नेगेटिव मोमेंटम इन द मार्केट. तो आई रिपीट, गोइंग फॉरवर्ड हम स्विंग के हिसाब से आप लोगों को प्रेडिक्शन देंगे. वी आर गोइंग टू क्लोज द इंट्राडे प्रेडिक्शन व्हिच वी आर गिविंग, एक स्विंग की प्रेडिक्शन देंगे, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी. तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें. तो थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय.